राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं काफी वक्त से बनाना चाहता था, ये वीडियो को मैं काफी लंबे समय से बनाना चाहता था, बिकॉज न्यूज़ मेरे पास काफ़ी वक्त से थी। लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आ रही थी एलिमिनेशन चेम्बर के बारे में काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सारी वो कवर कर दी। तो अब मैं इस न्यूज़ को कवर कर दूँ और मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखना बस, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्लियर कट है, बिकॉज आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और आप कुछ कमेंट करते हैं कि वो ऐसा वो कैसा, तो वो समझ नहीं आएगा आपको। इसलिए कहता हूँ प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा और मज़ा भी आएगा। सॉरी, मज़ा भी आएगा लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम भी है। चलो बात करते हैं आगे। यार देखिए, आप सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस समय इंडिया में, हम जितना भी देखते हैं इसको, हम देखते हैं 10.1 HD पे, 10 Sport के जितने भी चैनल हैं, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, पता नहीं जितने हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, इंग्लिश सभी में देखते हैं। सोनी लीव पर भी देखते हैं, मोबाइल पर, जियो टीवी पर, बहुत सारी एप्लीकेशन है वहाँ, हम इन सबको फ्री में देखते हैं, समझ सकते हो, कोई हमें चार्जेस नहीं देने पड़ते इन सबके। लेकिन US की बात करें, अमेरिका की बात करें या फिर किसी भी कंट्री की बात करें, सो वहाँ पर ये चीज़ें केबल ऑपरेटर के द्वारा टेलीकास्ट नहीं होती। जी हाँ, अगर आप बात करें US के, कैनेडा की, रशिया की, बहुत सी जितने भी बड़ी बड़ी कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर अगर किसी, मतलब किसी पब्लिक को ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स को देखना है, PLEs को देखना है, जैसे कि रॉयल रंबल, चेम्बर, समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, रेसलमेनिया, ये जितने भी PLEs होते हैं इनको देखना है, तो उनको भाई साहब एक पीकॉक नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा पीकॉक नेटवर्क को, जो कि बहुत महंगा है। बहुत महंगे का मतलब है कि बहुत महंगा है, करीबन आप लगा लो उसका महीने का किराया करीबन 2000 रुपये है, 2000 से प्लान स्टार्ट है, समझ सकते हो आप, तभी आप स्ट्रीम कर पाओगे PLE सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इन्हीं से अर्न करती है, इन्हीं से पैसा कमाती है। लेकिन इंडिया में दोस्तों, बात ये कि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पता है, HHH को पता है, सारे बिजनेस को पता है उनके, दिस इज़ वाई हमारे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी व्यूअरशिप भी इंडिया के मुकाबले किसी देश में नहीं आती। सोचो, अगर आप इंडिया को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की व्यूअरशिप काउंट करोगे ना, तो करीबन 10 मिलियन भी मुझे लगता नहीं पहुंचती होगी। लेकिन अगर आप बात इंडिया की बात करोगे, रेसलमेनिया को लेते हैं एग्जांपल, रेसलमेनिया को इंडिया में करीबन 60 से 65 मिलियन लोग देखते हैं, समझ सकते हो आप, 60 मिलियन प्लस लोग देखते हैं, समझ सकते हो आप, इज़ द बिगेस्ट नंबर। दिस इज़ वाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंडिया के साथ डील साइन करती है फ्री केबल ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसका मतलब ये नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फ्री में अपने PLEs दिखाती है, पैसा लेती है वो, लेकिन वो पैसा लेती है हमारे नेटवर्क ऑपरेटर से, जैसे कि सोनी है, समझ रहे हो, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनसे लेती है और वो स्ट्रीम करवाते हैं हमको। और इंडिया में आपको पता है स्ट्रीम के द्वारा पैसा कमाया जाता है, ऐड दिखा के पैसा कमाया जाता है। सो ये TV पे आते हैं, TV पे ऐड आती है, उसके बाद आप जियो TV पर, वहाँ भी ऐड आती है, सोनी लिव पर भी अगर आपने प्लान ले रखा लेकिन फिर भी ऐड तो वहाँ आती है। तो सारा कुछ बिजनेस अपने हिसाब से चल रहा है इनका। लेकिन अब सब कुछ चेंज होने वाला है, बिकॉज अब हम बात करने वाले हैं रॉ और स्मैकडाउन की, बिकॉज वो तो वीकली शोज होते हैं, वो तो आपको लाइव देखने को मिलते हैं। अब मंडे नाइट रॉ तो क्लियर कट है, नेटफ्लिक्स पर जा चुका है, वहाँ वो आएगा। अब नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है, ये बात आप सबको पता है, वो कोई TV या कोई TV पे आने वाला चैनल नहीं है, वो एक OTT प्लेटफॉर्म है। आप अपनी विश के हिसाब से उसको देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके प्लान को लेते हैं। अब आपको दोस्तों नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 जनवरी से ही लगा लीजिए, नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा। वैसे तो आप सब कहेंगे भाई साहब मंडे नाइट रॉ कोई ऐसा, मतलब क्या हो गया नेटफ्लिक्स पर, यार बहुत कुछ हो गया, बिकॉज अब आपको मंडे नाइट रॉ मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर अगले साल से लाइव देखने को मिलने वाला, बिकॉज मेरे पे काफ़ी मेजर अपडेट आई है सोर्स से, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से 2025 जनवरी से आपको डोड़ी कंपनी का मंडे नाइट रॉ लाइव देखने को नहीं मिलने वाला। जी हाँ, आप मंडे नाइट रॉ को कब देखते हैं, सुबह 5:30 बजे उठ के देखते हैं या 6:30 बजे आता है, गर्मी सर्दी का फर्क होता है, ट्यूजडे को सुबह, ठीक है। लेकिन अभी आपको लाइव देखने को नहीं मिलेगा, लाइव आएगा उसी समय आएगा जिस समय अभी टेलीकास्ट होता है, लेकिन आप इसको इंडिया में नहीं देख पाओगे, बिकॉज अभी तक इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इसको लेके कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। अब आप कहेंगे भाई साहब अभी तो साल पड़ा, बोला मानता हूँ साल पड़ा, लेकिन भाई साहब बिजनेस डील 10-15 साल की होती है।
और डवड़ी कंपनी की बिजनेस डील जो है सोनी के साथ लगभग अभी एक तरह से ख़त्म ही है समझ लो। ये साल भी मुझे पता नहीं कैसे चल रहा है लेकिन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। 10 साल की डील थी, 2015 में डील साइन करी थी, 2025 मतलब 24 के एंड तक ये डील ख़त्म हो जाएगी समझ लो आप। सो 2025 जनवरी तक ये डील है, अब ये ख़त्म होने वाली है। तो समझ लो कि आप मंडे नाइट रॉ को इंडिया के अंदर लाइव नहीं देख पाओगे, डैट फॉर श्योर, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता चला है। अब स्मैकडाउन फॉक्स पर आती है वो तो आपको लाइव देखने को मिलेगी, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन क्लियर कट है, अगर नेटफ्लिक्स ने रॉ को ख़रीद लिया है और डब्ल्यू कंपनी को फ़ायदा है, तो भाई साहब सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं होगा जब स्मैकडाउन भी ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर चला जाएगा, डैट फॉर श्योर। बिकॉज प्रॉब्लम यही है कि 3 घंटे का शो डब्ल्यू कंपनी को बनाना पड़ता है, जबकि मंडे नाइट रॉ 2 घंटे का शो है, उसमें से 1 घंटे की ऐड होती है समझ सकते हो, और स्मैकडाउन जो है करीबन 1.5 घंटे का शो है जिसमें 1.5 घंटे की ऐड होती है। सो ये चीज़ है। अब अगर ये दोनों शो OTT पे आ जाएंगे, जैसे रो तो आ ही गया है, तो रो आपको 2 घंटे का देखने को मिलेगा लाइव अगर आप पीकॉक नेटवर्क को सब्सक्राइब करते हैं, बिकॉज पीकॉक पे तो आपको सारे PLEs देखने को मिलते हैं और आई थिंक डब्ल्यू कंपनी वहाँ पर रो दिखा नहीं सकती अब। लेकिन आप नेटफ्लिक्स पर हैं, आप क्लियर कट है, नेटफ्लिक्स हर कंट्री के अंदर है, इंडिया में भी नेटफ्लिक्स है, पूरे वर्ल्ड में नेटफ्लिक्स है, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग लैंग्वेज में। तो ये बात आप क्लियर कट समझ लीजिए कि नेक्स्ट ईयर 2025 से आपको मंडे नाइट रो 10 Sport पर, 10 Sport के जितने भी चैनल हैं, सोनी लीव पर, कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाला। नेटफ्लिक्स पर ही आप जाओगे और नेटफ्लिक्स पर ही आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको मंडे नाइट रॉ को देखना है, तो ये बात तो क्लियर होगी। अब दोस्तों बात करें सारे PLEs की, आप देखिए दोस्तों नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है, OTT प्लेटफॉर्म है, और नेटफ्लिक्स अगर $1 बिलियन की डील में रॉ को खरीद सकता है तो वो स्मैकडाउन भी उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और सारे PLEs जो कि डब्ल्यू कंपनी पीकॉक पर दिखाती है, पीकॉक पर प्रॉब्लम दरअसल ये आती है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइजेज हैं, 2,000-2,500 काफ़ी ज़्यादा प्राइजेज हैं। मानता हूँ कि हमारे इंडिया के हिसाब से प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ड्यू टू फॉरन, अगर आप फॉरन की बात करें तो भाई साहब उनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है, उनका हर रोज का कमाना है, हर रोज का वो उजाड़ देते हैं, वैसे उनके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं है, तो वो खाने वाले बंदे हैं, वो जोड़ने वाले बंदे नहीं है, तो उनके लिए 2,000 और 20,000 भी क्या चीज़ है, लेकिन हमारे लिए तो भाई 200 रुपये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ होती है कहीं ना कहीं, और हम ये बात को समझते हैं। और पीकॉक नेटवर्क इतना महंगा है जिस वजह से डब्ल्यू कंपनी सारे PLEs को नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट कर देगी, और अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब उनके लिए तो ये मज़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज अगर सारे PLEs नेटफ्लिक्स पर आ गए तो आप समझ लीजिएगा इंडिया में भी ये सारे PLEs नेटफ्लिक्स पर ही आएंगे, यानी आपको TV पे देखने को नहीं मिलने वाले दोस्तों। बिकॉज नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है, सोनी लिव एक OTT प्लेटफॉर्म है, और ये सारे सारों में एक तरह से कंपटीशन चलता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि सोनी लिव नेटफ्लिक्स को पैसे देगा कि आप हमको सब्सक्राइब करवाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब एक डील है। आप सोनी लिव की एप्लीकेशन पर जाकर डब्ल्यू कंपनी को सब्सक्राइब करते हैं, उनके नेटवर्क को देखते हैं, कितना क्या क्या देख लेते हैं आप, भाई साहब आप कुछ नहीं देख पाते, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी का इतना बड़ा कंटेंट है ना, आप हैरान रह जाओगे। आई थिंक आपको याद होगा कि डब्ल्यू नेटवर्क को लॉन्च किया था 2014 में, और 2021 तक ये नेटवर्क रहा था, लेकिन उसके बाद पीकॉक ने खरीद लिया इसको। लेकिन डब्ल्यू नेटवर्क जो था भाई साहब उस समय 2019 की बात है, न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए डब्ल्यू नेटवर्क को 1 महीना फ्री रखा गया था, और तब मैंने सब्सक्राइब करा था नेटवर्क को फ्री में 1 महीना एंजॉय करने के लिए। और अब मानोगे नहीं, डब्ल्यू कंपनी का जो डब्ल्यू नेटवर्क था भाई साहब, वो एप्लीकेशन मतलब जो एक नेटवर्क था एक तरह से, उसके अंदर इतना सारा कंटेंट था ना, आप समझ लीजिए कि मंडे नाइट रॉ को करीबन कितने एपिसोड हो गए, मंडे नाइट रॉ के 1500 एपिसोड हो गए ना, आप मान लो मैं 10वां एपिसोड भी अगर ट्यून करूँगा अभी मैं पूरा देख सकता हूँ लाइव, 1990-1995 कोई भी शो देख सकता हूँ, कोई भी लाइव इवेंट देख सकता हूँ, कोई भी पे पर व्यू देख सकता हूँ, और समझ लीजिए आप वो सारे स्पेशल आते थे डब्ल्यू कंपनी को उस नेटवर्क पर। सो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, डब्ल्यू नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन उस समय पीकॉक ज़्यादा पैसा दे रहा था कंपनी को, तो भाई साहब पीकॉक पे चला गया। लेकिन अब ये चीज़ें सब बदलेंगी, बिकॉज अब सारा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और अब आपको मंडे नाइट रॉ लाइव तो देखने को नहीं मिलेगी अगले साल से, स्मैकडाउन आप लाइव देख पाएंगे लेकिन उसका भी ज़्यादा लंबा मत सोचिएगा। और सबसे मेन मुद्दा भाई साहब, सारे प्रीमियम लाइव इवेंट अभी आप फ्री में इन्जॉय कर रहे हो तो भाई साहब समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे को तो आदत है, मैंने तो सोनी लिव को सब्सक्राइब कर रखा है और OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि भाई साहब मुझे तो सारे स्क्रीनशॉट चाहिए होते हैं, और कहीं तो स्क्रीनशॉट निकलते नहीं, JioTV पे स्क्रीनशॉट निकलते नहीं है, फोटो खींच नहीं सकता, तो स्क्रीनशॉट के लिए तो भाई साहब समझ सकते हो आप, हमको करना पड़ता सब्सक्राइब। लेकिन अब बात करें अगर नेटफ्लिक्स पर चला गया, सो भाई साहब एक बात तो क्लियर मान लीजिए,
सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज नेटफ्लिक्स भी जानता है कि डब्ल्यू कंपनी को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं। दिस इज़ वाई नेटफ्लिक्स क्लियर कट है बीडिंग करेगा आगे, और डब्ल्यू कंपनी के रो तो आएगी, स्मैकडाउन भी आ जाएगा, एनएक्सटी भी आ जाएगा, और सारे पीएलईज आ गए तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भाई साहब ये होगा डेट फॉर श्योर, रास्ते अलग अलग है लेकिन ये सब एक हो जाएंगे। सो ये चीज़ें थी, तो एक बात का ध्यान रखना, अभी आप इंजॉय कर लो इस साल पूरा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से सब कुछ पेड हो जाएगा डेट फॉर मी फॉर श्योर। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी वीडियो देखी होगी एंड सब्सक्राइब कर लिया होगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। लाइक द वीडियो करिए, अगर वीडियो पसंद आई तो बोलिए जय माता दी। थैंक यू, कल मिलते हैं।